इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा में हुई चूक की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय कमेटी ने पंजाब में अपने जांच अभियान को शुरू कर दिया है। सूत्र कहते हैं कि जांच कमेटी इंडियन एयरफोर्स की वो लॉग बुक भी देखेगी जिसमें पीएम के हेलीकॉप्टर के भटिंडा से रैली स्थल तक उड़ान भरने की मंजूरी को लेकर ब्यौरा दर्ज है। उसे यह पता चलेगा कि भारतीय वायुसेना ने पीएम की हेलीकॉप्टर उड़ान को मंजूरी कब दी थी और कब और क्यों मना किया गया, जिसकी वजह से पीएम सड़क मार्ग से जा रहे थे। इस लॉगबुक से यह खुलासा होगा कि पीएम को सड़क मार्ग से रैली स्थल तक ले जाने का आधार वायुसेना का तथ्य आधारित परामर्श था या एसपीजी का अपना विचार। लॉगबुक और ब्लूबुक के मिलान से कई खुलासे हो सकते हैं। सभी संभावनाओं और सुरक्षा कड़ियों के साथ राज्य के सुरक्षा तंत्र की भूमिका का भी पता चलेगा। एसपीजी की ब्लूबुक पे दर्ज नियमों के मुताबिक ये सभी उपाय किए गए थे या उनमें किसी समय किस आधार पर किसकी मंजूरी से बदलाव हुआ, ये सभी तथ्यों का खुलासा जांच से होगा। एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ये भी जांच का आधार होगा कि किस अधिकारी ने पीएम को सड़क मार्ग से जाने की योजना को मंजूरी दी। कमेटी की जांच कसौटियों में ये भी है कि सुरक्षा में चूक के पीछे कोई आपराधिक साजिश थी क्या, यानी एसपीजी या पंजाब पुलिस की भूमिका पर भी गहन छानबीन होगी। इसके अलावा खुफिया ब्यूरो यानी आईबी और अन्य गुप्तचर एजेंसियों से मिले इनपुट को भी कमेटी इस आधार पर खंगालेगी कि किसने कब क्या कैसा क्या क्या इनपुट दिया। जांच से जुड़े सूत्र के मुताबिक आईबी का दावा है कि उसकी टीम ने सभी इनपुट समय रहते पंजाब सरकार से शेयर किए थे। रास्ते में किस तरह का विरोध या प्रदर्शन हो सकता है, ये भी बताया गया था। आईबी ने पंजाब सरकार को यहां तक आगाह किया कि प्रतिबंधित सिख संगठन सिख फॉर जस्टिस के लोग गांवों में सिख युवाओं को भड़काने के साथ नकदी धन दे रहे हैं। एजेंसी ने सरकार को इन इनपुट्स के आधार पर विशेष निगाह रखने और सतर्कता से कार्रवाई करने का आग्रह किया था। पंजाब सरकार को तो आईबी ने यह भी कहा था कि पीएम का कार्यक्रम पाकिस्तानी सरहद से बिल्कुल करीब है, लिहाजा अधिक सतर्कता और संवेदनशीलता बरतने की सख्त जरूरत है। और अब जब इन तमाम मामलों पर जांच हो रही है तो जब जांच के नतीजे सामने आएंगे तो मालूम चलेगा कि वाकई में किसने कहां और कैसी लापरवाही की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।